वेलकम स्टूडेंट, हम सभी ने रिंग स्पिनिंग मेथड को जो है पढ़ा है। उसके पूरे प्रोसेस को हमने ब्लो रूम से लेकर के और रिंग स्पिनिंग तक और रिंग स्पिनिंग के बाद वाइंडिंग स्पिनिंग तक पढ़ा है। रिंग स्पिनिंग में यार्न किसी भी काउंट का जनरली हम यार्न प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट रिंग स्पिनिंग का प्रोडक्शन एक लिमिटेड होता है और प्रोसेस काफी लेंथी इन्वॉल्व होता है यार्न फॉर्मेशन में। यहाँ पे जो है हम न्यू स्पिनिंग सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें जो है प्रोसेस रिड्यूस करके और हाई स्पीड पे यार्न को हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे कई सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। उन सिस्टम में जो है हमारी जो है न्यू स्पिनिंग सिस्टम में जो है ओपन एंड स्पिनिंग आती है। ओपन एंड स्पिनिंग में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे। ग्लोबल डिमांड फॉर स्पन फाइबर इज ह्यूज, कन्वर्टिंग रॉ फाइबर टू यार्न इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मेनी मैन्युफैक्चरर कंप्लीट टू प्रोवाइड द स्पिनिंग मशीन दैट आर इसेंशियल टू मीटिंग द डिमांड बाई डिलीवरिंग इंक्रीज इन स्पिनिंग प्रोडक्टिविटी एंड एडिशनल इम्प्रूवमेंट इन द यार्न क्वालिटी। यहाँ आगे हम देखते हैं, न्यू स्पिनिंग प्रोसेस हैव बीन अवेलेबल इन प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट 40 ईयर। न्यू स्पिनिंग में जो है हमारी ओपन एंड स्पिनिंग और भी स्पिनिंग आती है, हम यहाँ पे ओपन एंड स्पिनिंग की बात करेंगे। ओपन एंड स्पिनिंग हम ये जानना चाहेंगे कि इसको ओपन एंड क्यों कहते हैं, कौन कौन सी स्पिनिंग इन्वॉल्व होती है उसको हम देखते हैं। रोटर स्पिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, डिस्क स्पिनिंग, एयर वर्टेक्स स्पिनिंग। रोटर एडवांटेज हम थोड़ा सा इस न्यू स्पिनिंग सिस्टम में ओपन एंड स्पिनिंग का कुछ जो हम एडवांटेज जान लेते हैं, क्या एडवांटेज है कंपेयर टू रिंग स्पिनिंग। लोअर पावर कंजप्शन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस, हायर स्पीड ऑफ ट्विस्ट इंसर्शन रिजल्टिंग इन वेरी हाई यार्न डिलीवरी स्पीड। यानी हमारी जो यार्न बनाने की स्पीड है, डिलीवरी स्पीड जो है ओपन एंड स्पिनिंग में काफी हाई होती है कंपेयर टू रिंग स्पिनिंग। ए सिग्निफिकेंट रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हमारी रिंग स्पिनिंग के कंपेयर में काफी हाई होती है ओपन एंड स्पिनिंग में। लार्जर डिलीवरी पैकेज साइज, जो रिंग स्पिनिंग में हम लोग यार्न जो है कॉप बॉबिन पे जो है हम फार्म करते हैं, जिसका जो है कॉप कंटेंट जो है जनरली काफी कम होता है, 70-90 ग्राम्स पर कॉप होता है। यहाँ पे जो है लार्जर पैकेज जो है हम एक बड़े पैकेज के रूप में यार्न जो है वाइंडिंग होती है, जिससे कि इफिशेंसी जो है बढ़ जाती है मशीन की और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इलिमिनेशन ऑफ सम प्रोसेस सच एज रोविंग एंड वाइंडिंग मोर यूनिफॉर्म यार्न, इलिमिनेशन हम सब प्रोसेस, यानी हम कन्वेंशनल स्पिनिंग में यार्न फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसमें जो है हम ब्लो रूम से लेकर के रिंग फ्रेम तक जो है हमारा जो है प्रिपरेटरी बिफोर रिंग फ्रेम यानी स्पीड फ्रेम तक हमारा जो है प्रिपरेटरी प्रोसेस होता है, जिसमें हम सिंप्लेक्स के माध्यम से रोविंग फॉर्म करते हैं, रोविंग बनाते हैं। और आफ्टर रिंग फ्रेम यानी जिसको हम पोस्ट स्पिनिंग कहेंगे, आफ्टर रिंग फ्रेम का जो पैकेज होता है उसको हम बिग पैकेज पे कन्वर्ट करते हैं वो वाइंडिंग प्रोसेस में। इस ओपन एंड स्पिनिंग सिस्टम में जो है ये दोनों प्रोसेस यानी बिफोर रिंग फ्रेम एंड आफ्टर रिंग फ्रेम, बिफोर रिंग फ्रेम सिंप्लेक्स मशीन एंड आफ्टर रिंग फ्रेम वाइंडिंग मशीन, दोनों ही इलिमिनेट हो जाती है, जिससे हमारी कास्ट यार्न की कास्ट पर यूनिट कास्ट जो है काफी कम हो जाती है और मैन पावर कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है, मशीन जो हमारी इलिमिनेट हो जाती है, इसकी वजह से हमारी स्पेस तमाम सारे जो है हमारे फैक्टर जो है जो कास्ट के इन्वॉल्व होते हैं वो सभी जो है रिड्यूस हो जाते हैं और कास्टिंग हमारी पर यूनिट कास्ट पर केजी कास्ट हमारी कम हो जाती है ओपन एंड में। हम कंसेप्ट को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन एंड में कैसे यार्न फॉर्मेशन होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यार्न फॉर्मेशन इन ओपन एंड, यहाँ हम देखेंगे
A constant stream of separated individual fiber is allowed to flow to a rotating yarn. यहाँ पे constant stream of separated individual fiber की बात हो रही है. यहाँ पे जो है कुछ portion जो है हम rotor का लिए हैं. Opening के बाद एक tube के माध्यम से, conical tube के माध्यम से हमारा जो है fiber जो है enter करता है rotor में, open end rotor spinning में. ओवरऑल हम जो है ओपन एंड स्पिनिंग की बात करें तो जहां पे जो है हमारा यार्न फॉर्मेशन होता है वहां पे फाइबर जो है ओपन फॉर्म ओपन होने के बाद जो है एक एक फाइबर इंडिविजुअल होने के बाद जो है यहां पे जो है कलेक्ट होते हैं और उस कलेक्टिंग पोर्शन में जहां फाइबर हमारे जो है कलेक्ट होकर के रोटेट कर रहे होते हैं वहीं पे हम जो है यार्न इंसर्शन करते हैं. यार्न को जो है यार्न कॉन्टेक्ट में लाते हैं और यहाँ पे आप जैसे ये देख रहे होंगे ये रोटेटिंग पोर्शन. तो ये जो है अगर हम रोटर स्पिनिंग को लेते हैं तो रोटर स्पिनिंग का जो नॉवेल पोर्शन है वो इसको जो है ट्विस्ट दे रहा है. रोटर इसको जो है यार्न को हम अलग से एक सेपरेट यार्न अंदर ले जाएंगे तो वो यार्न जो हमारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा. एक्चुअली हम यार्न अंदर ले जा रहे हैं इसलिए यार्न का वन पोर्शन जो है जो एक एंड जो है ओपन होगा जो लाइक दैट ब्रश यानी फाइबर उसमें ओपन होंगे फाइबर खुले होंगे. यार्न हमारा रोटेट करता है इसलिए जो है जो फाइबर ब्रश लाइक फाइबर जो ओपन होते हैं वो रोटेट यार्न के साथ रोटेट होते हैं और उसी उसी के साथ जो है जो ओपन फाइबर है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं और जब ओपन फाइबर ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं हम यार्न को फिर टेक आउट यानी बाहर की तरफ जो है हम विड्रा खींचने लगते हैं और उसी ट्विस्ट यार्न के ट्विस्ट के साथ जो है हमारे फाइबर ट्विस्ट होते जाते हैं और यार्न फॉर्मेशन कंटिन्यूटी हमारी बन जाती है. यहाँ पे आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो हमारा फाइबर ओपन फाइबर है ओपन फाइबर जो है रोटेटिंग पोर्शन में इंसर्ट करते हैं और उस रोटेटिंग पोर्शन में हम यार्न यार्न एक सेपरेट यार्न पहले से जो बना हुआ यार्न है उसको हम इंसर्ट करते हैं. यार्न का जो फ्री एंड जैसे ही अंदर एंटर करता है और वो रोटेटिंग पोर्शन यार्न को रोटेट करने लगता है और फाइबर का फ्री एंड रोटेट होता है इसलिए इसको हम ओपन एंड कह रहे हैं. आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओपन यार्न एंड यानी जो धागा हमने इंसर्ट किया उसका एंड जो है ओपन है. अब यार्न हमारा रोटेट करने लगता है और फाइबर उसके साथ जो है ट्विस्ट होने लगते हैं और यार्न को हम बाहर खींचते जाते हैं और यार्न फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूटी हमारी बन जाती है. आगे देखते हैं हम व्हाट इज रोटर. अब हम यहां से जो है अभी तक तो हमने ओपन एंड स्पिनिंग की बात किया. ओपन एंड स्पिनिंग में बहुत सारी हमारी स्पिनिंग आ रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग फ्रिक्शन स्पिनिंग रोटर स्पिनिंग और भी स्पिनिंग लेकिन यहाँ पे अब हम रोटर स्पिनिंग की बात करेंगे. तो आप रोटर स्पिनिंग पे कंसंट्रेट करिए. रोटर थोड़ा सा हम इसके आगे हम फिगर देख लेते हैं रोटर स्पिनिंग को तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये आप देख लीजिए ये हमारा रोटर स्पिनिंग का जो है जो अंदर रोटर जो होता है कैसे वर्क करता है. ये हमारा स्लाइवर इंटर करता है ओपनिंग रोलर है. यहाँ ट्यूब के माध्यम से रोटर में जो है फाइबर इंटर करते हैं और जो अलग से हम फाइबर जो है नोवेल में जो है इंटर कर रहे थे वो फाइबर यहाँ आपका इंटर करता है और इस यार्न यार्न आपका इंटर करता है और यार्न जो है यार्न का ओपन एंड फ्री एंड जो है इस फाइबर के कांटेक्ट में आता है फाइबर इसके साथ ट्विस्ट होते जाते हैं और कंटिन्यूटी बन जाते हैं. अब हम जो है आप फिगर के माध्यम से समझ पिक्चर बन गई होगी आपके दिमाग में. हम शुरू करते हैं रोटर स्पिनिंग. व्हाट इज रोटर. द रोटर इज द मेन स्पिनिंग एलिमेंट ऑफ द रोटर स्पिनिंग मशीन. यार्न क्वालिटी कैरेक्टर वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ यार्न प्रोडक्टिविटी एंड कास्ट एटसेट्रा ऑल डिपेंड चीफली ऑन द रोटर. रोटर पे यानी आपकी जो है ट्विस्ट वर्किंग और प्रोडक्शन सारी चीजें जो है रोटर पे डिपेंड करती है. रोटर के स्पीड पे डिपेंड करती है रोटर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द रोटर दैट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस आर द रोटर फॉर्म. रोटर हमारा किस तरीके का है रोटर ग्रूव्स रोटर डायमीटर रोटेशनल स्पीड अलॉन्ग विथ जो है रोटर हमारे किसके साथ मूव कर रहा है रोटर बियरिंग यानी वो बियरिंग जो रोटर को जो है रोटेट कर रही है मोशन दे रही है मोशन देने में सपोर्ट करती है. कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फाइबर एंड रोटर वाल.
फ्रिक्शन यानी जो हमारा यार्न जो फाइबर ओपन फाइबर जो है रोटर में जो है इंटर करते हैं और रोटर सरफेस पे रोटर के वाल पे जो हमारा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है वो किस टाइप का है. द एयर फ्लो कंडीशन इनसाइड द रोटर. एयर में जो है फाइबर को इंसर्ट करने के लिए फाइबर को कंटिन्यूटी फाइबर ओपन फाइबर को एंटर करने के लिए रोटर के बैक से जो है सक किया जाता है जिससे जो है उसमें जो है रोटर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और तेजी से जो है फाइबर जो है रोटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तेजी से जो है इंसर्ट करते हैं. लाइबिलिटी ऑफ फाउलिंग. रोटर आर रिप्लेसेबल एलिमेंट इन द मशीन. और रोटर जो है अगर रोटर हमारा खराब हो जाता है रोटर डैमेज हो जाता है तो हम मशीन से जो है रोटर रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस कर लेते हैं. टास्क ऑफ द रोटर स्पिनिंग मशीन. द बेसिक टास्क ऑफ द रोटर स्पिनिंग मशीन आर ओपनिंग एंड अटेन्यूएटिंग ऑलमोस्ट टू इंडिविजुअल फाइबर फाइबर सेपरेशन. यानी पहला जो फंक्शन होता है पहला हमारा जो रोटर स्पिनिंग का जो पहला वर्क है फाइबर को जो है जैसे ही फाइबर हमारा जो है रोटर में इंटर करने से पहले जो है फाइबर की हम क्या करते हैं ओपनिंग करते हैं इंडिविजुअल एक एक फाइबर की जो है इंडिविजुअल रूप से ओपनिंग करते हैं. क्लीनिंग. फाइबर की जब ओपनिंग होती है ओपनिंग के दौरान हम जो इम्प्योरिटीज होती है उसको सक कर लेते हैं यानी फाइबर क्लीनिंग करते हैं. होमोजिनाइजिंग थ्रू बैक डबलिंग. और फाइबर एक एक फाइबर ओपन होकर के ट्यूब के माध्यम से रोटर में जब इंटर करते हैं तो एक फाइबर के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा इस तरीके से हमारे फाइबर डबलिंग प्रोसेस से जो है होमोजिनाइजिंग यानी एक एक जो है समान यार्न प्रोड्यूस करते हैं. कंबाइनिंग दैट इज फॉर्मिंग ए कोहेरेंट लीनियर स्टैंड फॉर्म इंडिविजुअल फाइबर. और सभी फाइबर कंबाइन होकर के और जो है एक यार्न का शेप देते हैं. ऑर्डरिंग. द फाइबर इन द स्टैंड मस्ट हैव एन ओरिएंटेशन एज फार एज पॉसिबल इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ऑर्डरिंग मतलब एक एक फाइबर जो है एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से जो है अरेंज होते जाते हैं. इंप्रूविंग इवनेस थ्रू बैक डबलिंग. बैक डबलिंग फाइबर जो है फाइबर ओपन होकर के ट्यूब के माध्यम से जब रोटर में इंटर करते हैं तो उसकी जो है यार्न की इवनेस जो है हमारी फाइबर टू फाइबर डबलिंग से जो है इम्प्रूव होती है. एक एक फाइबर एक दूसरे के फाइबर के ऊपर जो है डबलिंग होते रहते हैं यानी जो है कलेक्ट होते रहते हैं जिससे हमारी जो है इवनेस जो है इम्प्रूव होती है. इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ बाय ट्विस्टिंग. और जब फाइबर जो है डबलिंग के बाद फाइबर जब हम यार्न इंसर्ट करते हैं नॉवेल के माध्यम से तो जो है हमारा ओपन एंड ट्विस्ट कर लेता है फाइबर को और हम यार्न को ड्रा करते हैं तो जो हमारा रोटर जो रोटेट करता है रोटर जो रोटेट करता है रोटर के एक रोटेशन में यार्न में एक ट्विस्ट इंसर्ट होती है. तो यानी रोटर हमारा जो है 1,00,000 RPM से अगर सपोज दैट अगर मूव कर रहा है तो एक मिनट में यानी एक मिनट में 1,00,000 ट्विस्ट जो है यार्न में इंसर्ट होती है. वाइंडिंग. और जो हमारा टेकअप रोलर होता है टेकअप रोलर के बाद जो है वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग कोन या चीज पे जो हम यार्न को जो है वाइंडिंग कर लेते हैं. यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे जो ट्विस्टिंग है ट्विस्टिंग के लिए जो है हमारे जो है रोटर और डिलीवरी रोलर ये दो पे हमारी ट्विस्ट जो है डिपेंड करेगी यानी हम आगे ट्विस्ट का फार्मूला बताएंगे आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ रोटर स्पिनिंग. यहाँ पे हमारा जो है रोटर स्पिनिंग में मटेरियल कैसे इंटर करता है कैसे ओपन होता है ओपन के बाद कैसे जो है फाइबर एक एक फाइबर आगे जो है ट्यूब के माध्यम से जो है आगे जो है फॉरवर्ड होता है इस सारा जो है चीजें हम इस प्रिंसिपल में जो है कंसीडर करेंगे. यहाँ आप देखिए हम थर्ड पॉइंट पे आपको जो बता रहे हैं स्लाइवर में है मोर देन अच्छा चलिए हम आपको फर्स्ट पॉइंट से बताते हैं. द इनपुट स्लाइवर इज फर्स्ट ओपन यानी जो हम स्लाइवर फिट कर रहे हैं वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा ओपनिंग होगा एंड ड्राफ्टेड opened and drafted by opening roller. The fiber are transported via the tube to the rotor
where the fiber stand is subjected to twist insertion. यानी हमने आपको बताया, जो बताया वही चीजें लिखी हुई हैं कि फाइबर हम स्लाइवर को फिट करते हैं फीड रोलर के माध्यम से, और ओपनिंग रोलर जैसे ही फाइबर को स्लाइवर को जैसे ही स्लाइवर हमारा ओपनिंग रोलर के कांटेक्ट में जाता है, ओपनिंग रोलर जो है शॉर्ट टूथ रोलर होता है, वो फाइबर को जो है कार्टिंग की तरह, जो कार्टिंग का आपका लिकरिन होता है उसी की तरह जो यहाँ पे ओपनिंग रोलर काम करता है और फाइबर को जो है ओपन कर देता है. ओपन फाइबर, जब फाइबर हमारा ओपन होता है जैसे ही आगे बढ़ता है वहां पे एक फिल्टर लगा होता है जो सक्शन के माध्यम से सक होता है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सक कर ली जाती हैं, और क्लीन फाइबर इंडिविजुअल एंड क्लीन फाइबर हमारे आगे बढ़ते हैं जो एक हमारी जो है ट्यूब होती है, फिट ट्यूब होती है, फिट ट्यूब के माध्यम से जो है फाइबर हमारे ओपनिंग से फाइबर मूव करते हैं रोटर में. यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जो ड्राफ्ट ड्राफ्ट होता है वो ड्राफ्ट जो है रोटर स्पिनिंग में करीब 240 to 400 यानी 40 से लेकर के 40 से लेकर के 400 तक का हमारा ड्राफ्ट जो है रोटर स्पिनिंग में लगता है. यहाँ पे आप ड्राफ्ट का कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि ड्राफ्ट इतना हाई क्यों होता है. देखिए स्लाइवर में भी में है मोर देन 20,000 फाइबर. यहाँ पे एक हम एज्यूम कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता है कि स्लाइवर जो हम फिट करते हैं या स्लाइवर में 20,000 to 30,000 फाइबर होते हैं फाइबर के स्लाइवर के क्रॉस सेक्शन में, और जो यार्न जो हम प्रोड्यूस करते हैं यार्न में जनरली जो है 90 to 110, 120 फाइबर इन क्रॉस सेक्शन होते हैं. तो यहाँ पे हम जो है आपका जो स्लाइवर है, स्लाइवर में सपोज दैट 20,000 फाइबर है और यार्न में जो है 100 फाइबर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फीड लोड यानी फीड फाइबर डिवाइड बाय डिलीवर फाइबर, तो ये हमारा जो है ड्राफ्ट. यहाँ पे हम देखेंगे कि 200 का हमारा ड्राफ्ट जो है मशीन पे जो है रोटरी स्पिनिंग में लग रहा है, और ड्राफ्ट जो है हम आगे जो है और बताएंगे कैसे और कैलकुलेट करते हैं ड्राफ्ट. दिस अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट इज सब्सटेंशियली हायर देन दैट इन रिंग स्पिनिंग. ड्राफ्टिंग इन रोटर स्पिनिंग इज अकॉम्प्लिश्ड बाय यूजिंग एन ओपनिंग रोलर मैकेनिकल ड्राफ्ट. यहाँ पे जो हमारा ड्राफ्ट जो फीडिंग जहां पे हो रहा है फीड रोलर और ओपनिंग रोलर, यहाँ पे हमारा जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट जो है काम करता है, और आगे जो है जब ओपनिंग रोलर के बाद जब मटेरियल जो है फीड होता है आपका जो है रोटर में तो वहां पे जो है एयर ड्राफ्ट काम करता है. यानी यहाँ पे जो है दो ड्राफ्ट काम कर रहे हैं, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट दूसरा जो है एयर ड्राफ्ट. आगे हम देखते हैं The amount of twist, हम और ये सारी चीजें आपकी जो है जनरली कवर हो चुकी हैं. जैसे एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब जो हमने बताया अभी आपको कि ट्रांसपोर्ट ट्यूब इज टेपर्ड सो एज टू क्रिएट एन एक्सेलरेटिंग एयर स्ट्रीम. एक्सेलरेटिंग एयर स्ट्रीम यानी कोनिकल होती है, ओपन फाइबर के तरफ जो है चौड़ी होती है और रोटर के तरफ जो है हमारी एक्सेलरेटिंग ट्यूब जो है पतली होती है. तो यहाँ पे जो है फाइबर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड फाइबर की कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, फाइबर की स्पीड बढ़ती जाती है, और जो फाइबर फ्रंट में होता है उस पे जो है स्पीड जो है उसकी ज्यादा होती है, और जो बैक पोर्शन होता है उस पे हमारी जो है स्पीड कम. तो फाइबर की यहाँ ड्राफ्टिंग हो रही है, खींचा हो रहा है, यानी फाइबर के फ्रंट में स्पीड ज्यादा बैक में कम, तो फाइबर हमारा कंटिन्यूअस जो है आगे की तरफ जो है खींचता चला जाता है, इसी को जो है हम एयर ड्राफ्ट कह रहे हैं. दीज टू ऑपरेशन प्रोड्यूस एन अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट दैट इज हाई इनफ टू रिड्यूस द 20,000 फाइबर एंटरिंग द ओपनिंग रोलर ड्रॉन टू फ्यू फाइबर 20 to 10 फाइबर इन द एग्जिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ट्यूब. यानी 20,000 फाइबर हमारे फीड रोलर में इंटर करते हैं लेकिन ओपनिंग रोलर से एक्सेलरेटिंग ट्यूब में हमारे 2 to 10 फाइबर जो है कंटिन्यूअस जो है उसमें इंटर करते रहते हैं. ट्विस्ट
यहाँ पे जो है हम फाइबर आगे देखते हैं. कंसोलिडेशन इन रोटर स्पिनिंग इज अचीव्ड बाय मैकेनिकल ट्विस्टिंग. द टॉर्क जनरेटिंग द ट्विस्ट इन द यार्न इज अप्लाइड बाय द रोटेशन ऑफ द रोटर. यहाँ पे जो है रोटेशन, रोटर के रोटेट करने से जो है हमारे यार्न में जो है ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है. आगे जो है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट टन पर मीटर इज डिटरमाइंड बाय रेशियो बिटवीन द रोटर स्पीड, यानी रोटर के क्या आरपीएम है वो स्पीड, एंड टेकअप स्पीड, यानी जो यार्न को जो है रोटर से जो यार्न निकल करके और जो रोलर उस यार्न को जिस स्पीड से खींच रहा है उस रोलर को हम लोग टेकअप रोलर कहेंगे. टेकअप स्पीड मीटर पर मिनट. एवरी टर्न ऑफ द रोटर प्रोड्यूस ए टर्न ऑफ ट्विस्ट. द वाइंडिंग ऑपरेशन इन द रोटर स्पिनिंग इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ड्राफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग ऑपरेशन. जो वाइंडिंग है, जो स्लाइवर सॉरी जो यार्न आपका जो है निकल करके जो है कोन या चीज पे वाइंड हो रहा है, उसको कह रहा है कि वो टोटली सेपरेट होता है ट्विस्टिंग ऑपरेशन से. क्योंकि उस वाइंडिंग रोलर से पहले हमारा एक प्री टेकअप रोलर होता है. उस जो टेकअप रोलर होता है उसकी स्पीड क्या है और रोटर की स्पीड क्या है, इस पे हमारी ट्विस्ट डिपेंड करती है. उसका रेशियो ही ट्विस्ट होता है. यहाँ पे जो है अब हम दो फिगर लिए हैं. हम दोनों के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे. कुछ इसलिए दो हमने लिया है कि कुछ इसमें क्लियरिटी होगी आपको और कुछ जो है इसमें होगी. तो हम पहले फिगर को देखते हैं. यहाँ पे देखिए हम स्लाइवर जो है फिट कर रहे हैं. ये स्लाइवर हमारा जो है कौन सा स्लाइवर है, ये हमारा स्लाइवर जो है ड्रा फ्रेम का स्लाइवर हो सकता है, फिनिशर का, या काम्बर का स्लाइवर होता है. जनरली हम लोग जो है ड्रा फ्रेम स्लाइवर ही ओपन एंड स्पिनिंग में यूज करते हैं. ये हमारा जो है ड्रा फ्रेम स्लाइवर है. सपोज दैट ये हमारा ड्रा फ्रेम स्लाइवर है. ये जो है कैन फॉर्म में फिटिंग हमारा किस फॉर्म में होता है, कैन फॉर्म में जो है कैन में हमारे स्लाइवर होता है और स्लाइवर के फॉर्म में हमारा मेटल की फिटिंग हो रहा है रोटर में. ये फीड रोलर है. फीड रोलर के माध्यम से स्लाइवर को ग्रिप करता है फीड रोलर और मेटल स्लाइवर को आगे फॉरवर्ड करता है. जैसे स्लाइवर आगे बढ़ता है एक काम्बर रोल है, यानी इसका जो आपका पेरीमीटर है यानी सरफेस है वो जो है शॉर्ट इथ रोलर जो है जनरली या पिन रोलर होता है या शॉर्ट इथ रोलर होता है, फाइबर को जो है ग्रिप करता है और एक एक फाइबर को जो है जैसे कार्डिंग में लिकरिन होता है उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे काम्बर रोलर जो है या ओपनिंग रोलर भी इसको कहते हैं. ओपनिंग रोलर आपका जो है फाइबर स्लाइवर को ओपन कर देता है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पोर्शन ओपन है. यहाँ पे सक्शन लगा होता है और फिल्टर होता है, उसके माध्यम से जो ट्रैश गंदगी होती है स्लाइवर में वो जनरली जो है सक कर ली जाती है और क्लीन फाइबर हमारे ट्यूब के माध्यम से एक जो है आप देख रहे होंगे कोनिकल ट्यूब है. इधर पे आपका जो है ओपनिंग रोलर के तरफ जो है इसका डायमीटर ज्यादा है और इधर डायमीटर कम है, यानी ये फाइबर जो इसमें इंटर करते हैं वो कंटिन्यूस हाई स्पीड से इस जो है इधर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी. और फाइबर हमारे जो है एक सीक्वेंस में जो है आगे बढ़ते हैं और आ करके रोटर में रोटर के जो है ग्रूव जो हम रोटर हमारा कंटिन्यूस मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है. रोटर का जो आउटर सरफेस जो रोटर का जो सरफेस होती है वो कोनिकल सरफेस होती है, वहां पे ग्रूव्स कटा होता है, हल स्लाइटली ग्रूव्स कटा होता है जिसमें फाइबर यानी ये जो किनारे वाला पोर्शन है यहाँ पे ग्रूव्स कटा होता है जिससे कि जो फाइबर उसमें जा करके एम्बेडेड हो जाते हैं. उसमें जो है काफी हाई स्पीड से मूव कर रहा है इसलिए फाइबर इसके जो है किनारे यानी आउटर सरफेस पे जो है मूव करते रहते हैं. अब हम जो है फाइबर से जो है यार्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक यार्न हम इंसर्ट करते हैं नोवेल के माध्यम से. और जैसे ही हमारा यार्न अंदर इंसर्ट होता है यार्न का ओपन एक एंड जो है फ्री होता है, ओपन होता है और यार्न हमारा जो है रोटर एक्चुअली जो है रोटेट कर रहा है इसलिए यार्न जो है सरफेस कॉन्टेक्ट से रोटेट करने लगता है और ओपन एंड जो अंदर गया है वो भी रोटेट करता है और उसके साथ जो फाइबर जो रोटर में है वो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं और ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं. और ट्विस्ट जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तुरंत हम यार्न को बाहर टेकअप
करने लगते हैं यानी खींचने लगते हैं और जो है टेकअप रोलर से उसको कनेक्ट कर देते हैं यार्न को, और वाइंडिंग रोलर से जो है हम यार्न को कोन या चीज पे जो है वाइंड अप करते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है आप, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी जो है आपका जो रोटर है, इसी रोटर को जो है और क्लियर करने के लिए जो है क्लोजअप व्यू ऑफ यार्न फॉर्मेशन, यानी हम ये रोटर ही है हमारा है, ये रोटर है, ये देखिए आपका फाइबर है, ये फाइबर यार्न के साथ जो है कैसे ट्विस्ट होकर के और बाहर जो है निकलते जा रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे फिगर से भी समझ लेते हैं। आपने समझ लिया है, इसको थोड़ा सा हम फास्ट यहाँ पे करेंगे। स्लाइवर हमारा जो है कैन स्लाइवर यहाँ फीड हो रहा है, फीड रोलर है हमारा, फीड रोलर ये हमारा जो है शॉर्ट टूथ ओपनिंग रोलर है, ओपनिंग रोलर के माध्यम से हमारा स्लाइवर ओपन हो जाता है। यहाँ पे सक्शन लगा है जो डस्ट इम्प्योरिटी को शक कर ले रहा है। ओपन फाइबर, क्लीन फाइबर हमारे इंडिविजुअल सेपरेट फाइबर जो है हमारे रोटर में इंटर करते हैं। जिस देखिए यहाँ पे हम रोटर कोनिकल रोटर की ग्रुप्स कटा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स कटा है रोटर हमारा, और यहाँ पे फाइबर जो है जा करके इंटर करते हैं और रोटेट करते रहे उसके सर्फेस पे रोटेट करते हैं हम। इसमें जो है आपका जो नोवेल है इसमें हम यार्न एक जो है अलग से यार्न इंसर्ट करते हैं, और यार्न जैसे इंटर करता है फाइबर उसमें जो है ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। यार्न को हम यहाँ पे लाते हैं, सक कर लेता है, ट्विस्ट होना जो है यार्न ट्विस्ट होना शुरू हुआ, यार्न को फिर हम बाहर निकाल करके कोन या चीज पे इसको पे हम यार्न को वाइंड अप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिए, ओपनिंग एंड क्लीनिंग मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, यानी इस स्लाइवर आपका जो फीड हो रहा है और ये आपका जो है ओपनिंग रोलर है उसके माध्यम से फाइबर हमारा क्या हो गया, ओपनिंग और क्लीनिंग हो गई। ये ट्यूब आपकी दिख रही है, ये ट्यूब यहाँ पे है और इस ट्यूब से जो है फाइबर हमारा तेजी से, यानी जो स्पीड यहाँ पे होगी फाइबर की उससे कई गुना स्पीड यहाँ पे फाइबर की हो जाती है, और इसको जो हम एयर ड्राफ्ट कहते हैं। यहाँ हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट था, यानी फीड रोलर और ओपनिंग रोलर के बीच में मैकेनिकल ड्राफ्ट, और यहाँ पे जो है ट्यूब में हमारा जो है एयर ड्राफ्ट लग रहा है। इसके जो है ट्यूब के माध्यम से फाइबर हमारे जो है इंटर कर जाते हैं रोटर में, और फाइबर जैसा हमने बताया यार्न फॉर्मेशन का प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाता है। सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो फिगर के माध्यम से हमने आपको बताया है वही अब जो है इसका ऑपरेशन का सीक्वेंस है कि मटेरियल हमारा स्लाइवर फीड रोलर में इंटर करेगा, ओपनिंग रोलर ओपन करेगा, और ट्यूब के माध्यम से जो है रोटर में फाइबर हमारे इंटर करेंगे, और रोटर से जो है यार्न जो है एक यार्न हम इंसर्ट करते हैं और यार्न का एंड जो है ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है, यार्न को हम टेकअप कर लेते हैं। ये प्रोसीजर सिक्वेंस ऑपरेशन में आपको जो है बताया गया है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। स्पीड रिलेशनशिप जो हम फिगर देख रहे थे उसमें जो ओपनिंग रोलर की स्पीड हमारी जो है 6000 टू 10000 आरपीएम होती है, रोटर स्पीड यानी जो आपका रोटर है जो जिसकी वजह से ट्विस्ट इंसर्ट हो रही है उसकी स्पीड 35000 टू 1,60,000 आरपीएम रोटर मूव करता है, वेरी हाई स्पीड रोटर जो है काफी हाई स्पीड से जो है रोटेट करता है। डिलीवरी स्पीड अप टू 350 मीटर पर मिनट, ये हमारी मैक्सिमम जो है डिलीवरी स्पीड है, जनरली हम लोग इतने स्पीड पे नहीं चलाते हैं। टेक्निकल डाटा ऑफ रोटर स्पिनिंग, हम कुछ जो है रोटर स्पिनिंग से संबंधित डाटा को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ स्पिनिंग पोजिशन पर मशीन, ये मैक्सिमम जो आपकी लेटेस्ट रेटर की मशीन है उससे डाटा लिया गया है, ये आपकी 500 जो है पोजीशन होती है यानी रोटर होते हैं एक मशीन में, जनरली जो है जो आप इंडस्ट्री में पाएंगे उससे कम ही आपको, इससे जो है कम ही आपको रोटर नंबर ऑफ रोटर मिलेंगे। ये आपका जो डाटा है रीटर से जो लेटेस्ट मशीन है उससे लिया गया है, इसलिए अप टू 500। काउंट रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश काउंट में 5 to 50 काउंट हम इजिली जो है इसमें प्रोड्यूस करते हैं। ड्राफ्ट 25 to 400, अब यहाँ पे आप ड्राफ्ट को समझ गए होंगे कि हाई ड्राफ्ट क्यों लगता है, क्योंकि हम स्लाइवर फिट कर रहे हैं और यार्न प्रोड्यूस हो रहा है इस, तो हम यहाँ पे अगर ड्राफ्ट को सीधे जो है यार्न और स्लाइवर से देखें तो यार्न काउंट डिवाइड बाई स्लाइवर काउंट तो भी हमारा ड्राफ्ट निकल जाएगा। और स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ओपनिंग रोलर,
जो है ओपनिंग रोलर हम जैसा हमने बताया 6000 टू 10000 आरपीएम, रोटेशन स्पीड ऑफ रोटर, रोटेशन रोटर की स्पीड अप टू जो है 160000 आरपीएम, रोटर डायमीटर 30 to 60 mm, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रोटर डायमीटर, क्योंकि जो है हम जितना डायमीटर जो है इस रोटर का बढ़ता जाएगा रोटर की स्पीड कम होती जाएगी, और जितना ही रोटर का डायमीटर घटता जाएगा उतना ही स्पीड बढ़ेगी, बट नंबर ऑफ फाइबर लेंथ, फाइबर की लेंथ जो है उस रोटर में हम जो है कम लेंथ का फाइबर जो है इंसर्ट करेंगे, क्योंकि फाइबर लेंथ हमारी टोटल डिपेंड करती है रोटर डायमीटर पे। डिलीवरी स्पीड जो यार्न जो फार्म होकर जो है टेकअप रोलर जो डिलीवरी टेकअप रोलर जो जिस स्पीड से यार्न जो है बाहर निकाल रहा है उसकी स्पीड अप टू 350 मैक्सिमम स्पीड है। पैकेज मास अप टू 5 kg, 5 kg तक का हम लोग जो है पैकेज बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रिंग फ्रेम में आप जो है 70 to 90 ग्राम जो है आपको पैकेज कॉप मिलता है, और यहाँ पे आप 5 kg का पैकेज बना रहे हैं, यानी मशीन की एफिशिएंसी कितनी हाई हो सकती है आप देख रहे हैं। एंगल ऑफ टेपर जो पैकेज बन रहा है उसका वाइंडिंग एंगल, आगे हम मूव करते हैं। ड्राफ्ट इन रोटर स्पिनिंग, हम रोटर स्पिनिंग में ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए ड्राफ्ट जो है हमारा जो हम लोग जनरली रिंग स्पिनिंग में ड्राफ्ट का कैलकुलेशन करते हैं, सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर। तो यहाँ रोटर स्पिनिंग में सरफेस स्पीड हमारा डिलीवरी रोलर का है, यानी सरफेस स्पीड ऑफ डिलीवरी रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ फीड रोलर। लेकिन जो हमारा डिलीवरी रोलर है वो सीधे सीधे ट्विस्ट को गवर्न करता है, इसलिए हम डिलीवरी रोलर की स्पीड को चेंज करेंगे तो ट्विस्ट में चेंजेज आ जाएगा। इसलिए हम ड्राफ्ट चेंज करते समय हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि डिलीवरी की स्पीड हम बिल्कुल नहीं चेंज करते, हम ड्राफ्ट को चेंज करने के लिए केवल फीड रोलर की स्पीड को हम चेंज करते हैं। यार्न ट्विस्ट इन रोटर स्पिनिंग, ट्विस्ट जो इंसर्ट होती है रोटर स्पिनिंग में, रोटर की स्पीड आप यहां पे देख रहे होंगे नंबर ऑफ टर्न पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर रोटर स्पीड डिवाइड बाय डिलीवरी मीटर पर मिनट, यानी रोटर की स्पीड रोटर का आरपीएम और जो हमारी डिलीवरी मीटर पर मिनट है धागे की उसे डिवाइड कर देते हैं, तो धागे में जो है यार्न में ट्विस्ट कितना इंसर्ट हो रहा है ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे जो है डिफरेंट डिजाइन ऑफ रोटर्स, जो रोटर्स हैं उनके जो है नोवेल है जो ग्रूव कटा होता है वो यार्न को रोटेशन में जो हेल्प करता है वो आप देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ रोटर यार्न, यहाँ पे जो हम रोटर यार्न का जो है कई तरीके से यूज करते हैं। ओपन एंड यार्न प्रोड्यूस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द एंड प्रोडक्ट, दिस यार्न में बी यूज to advantage in fabric where uniformity and smoother surface are of prime importance। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा इसका मतलब है कि जो रोटर स्पून यार्न है वो जो है काफी यूनिफॉर्म होता है और स्मूथ होता है, जहां हमें ऐसी जरूरत होती है हम रोटर स्पिन यार्न यूज करते हैं। ओपन एंड यार्न आर यूज इन पाइल फैब्रिक, यानी हम पाइल फैब्रिक आप समझ रहे होंगे टॉवल फैब्रिक जिसमें हम लोग जनरली बनाते हैं वो पाइल फैब्रिक होता है। अप्रेल हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एप्लीकेशन यूजेज इंक्लूड हेवी वेट साटिन एंड पॉपलिन कॉर्डरी और बेडशीट प्रिंटेड फैब्रिक, तमाम सारे जो है फैब्रिक में जो है हमारा जो है ओपन एंड यार्न प्रोड्यूस होता है। आज का टॉपिक जो रोटर स्पिनिंग का था, आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी इसमें कंफ्यूजन आपको होता है किसी भी टॉपिक पे तो आप अच्छे तरीके से एक बार दो बार आप वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं तुरंत आपको जो है रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।